एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट, क्योंकि अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। एक्चुअली मेरी वीहू की तबीयत ख़राब हो रखी थी, उसको ना लूज़ मोशन और वॉमिटिंग थी, तो मैं सुबह उसको पहले दवाई दिलवाने के लिए गई थी, फिर उसको दवाई खिलाई थी, थोड़ी थोड़ी देर में दवाई देनी थी, तो मैं उसी के चक्कर में लगी हुई थी। वीहू ना नॉर्मल दवाई नहीं खाती है बिल्कुल भी आराम से, उसको आपने वीडियोज़ में देखा होगा, मैं उसको हमेशा दलिए में मिक्स करके जब खिलाती हूँ ताकि उसको पता ना चले कि मैं उसको दवाई खिला रही हूँ। तो अभी मैंने वीहू को दवाई खिला कर सुला दिया है। वीहू अभी सो रही है हमारी, तो मैंने सोचा व्यू के सोने के बाद ही मैं अपनी ब्लॉगिंग करूँगी। एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया था मुझे ब्लॉगिंग किए हुए। मैंने प्रीवियस विंटर में आप लोगों को बताया था कि मेरी मम्मी निटिंग नेटवर्क करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं, तो मम्मी ने व्यू के लिए भी बहुत प्यारी प्यारी फ्रॉक बनाई थी, तो मैं उन सबको आपको दिखाना चाहती थी बट मैं नहीं दिखा पाई थी। तो इस बार मैंने सोचा कि अब मैं इस पर वीडियो बना ही देती हूँ। तो आइए आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली का आप भी एक खूबसूरत सा पार्ट बनिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में हम अपने वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा पिटारा जिसमें वीहू के सारे जो मम्मी ने बनाए हैं नेटवर्क। तो आइए किक करके हम देखते हैं। पहले हम सबको एक साथ निकाल देते हैं। और उसके साथ ब्लैक कलर के सॉक्स भी हैं। आई थिंक वो अलग रखे हुए हैं वीहू के, जहाँ पर सॉक्स रखे हुए हैं। और ये फ्रॉक पहनने भी बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें जगह जगह डोरी लगाई गई है कि साड़ी ओपन करके बच्चे को ईजिली पहनाई जा सके। इस तरीके से मम्मी ने फुंदने लगाए हैं इस डोरी में। और ये फ्रॉक पहन के कुछ ऐसी लगती है। क्या कर ली हो भाई, क्या ले रही हो भाई? Wow! इसके बाद है हमारी ये वाली फ्रॉक। और व्यू इस फ्रॉक में मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद है ये वाली फ्रॉक, और इस फ्रॉक का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर डिज़ाइन है इस फ्रॉक का। टोपा छोटी वाला, ऐसे टोपे किसने पहने हैं कमेंट्स में बताना। मैंने बहुत पहने हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था इस तरीके का, और इवन मैं स्कूल भी पहन के जाती थी जब मैं छोटी थी। और इसी के साथ में है इसके ये छोटे छोटे से सॉक्स, इसमें भी फुंदने लगाए हुए हैं। बच्चे ना बहुत प्यारे लगते हैं फुंदने वाले इस तरीके से सॉक्स पहनकर। उसके बाद है ये स्वेटर, और इस तरीके का ना मम्मी ने जो मेरी दी हैं, मेरी बड़ी सिस्टर है उनके बेटे के लिए भी बनाया हुआ है यूवी के लिए, और वो वाइट कलर में है, वो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। उस पर जैसे फेस बना हुआ है ना, उसमें अलग दिखाई देते हैं दूर से फेस। इसमें आउल बनाया हुआ है। पॉकेट है। ये है स्वेटर, इसका एक यहाँ से फ्लावर हट गया है, और मम्मी ने इसमें ना टिच बटन लगा दिया ताकि आराम से अपने इजली पहने जा सके और ऊपर से ये फ्लावर दिखे।
उसके बाद है ये स्वेटर। ये तो स्वेटर सिंपल ही है। उसके बाद है ये स्वेटर, इसमें है जिगजैग डिजाइन। ये स्वेटर तो थोड़ा पुराना भी है, ये यूवी ने भी पहना है, उसके बाद अब भी वो पहनती है। और फिर ये है मल्टी कलर का स्वेटर। बच्चों को ना सर्दियों में बाहर की जो आते हैं उनसे ज़्यादा बेटर रहते हैं घर के बुने हुए पहनाना। ये हैं छोटे छोटे से सॉक्स। इसके अलावा मम्मी ने बनाई थी मेरे लिए ये जैकेट। और मम्मी ने बहुत सारी जैकेट्स बनाई हुई हैं दी के लिए, और छोटी बहन है जो चाची की बेटी उसके लिए, भाभी के लिए, अपने लिए, और जो सबसे प्यारी मुझे लगती है ना वो चाची की बेटी के लिए बनाई है ना, वो बहुत प्यारी लगती है। मल्टी कलर में है वो और बहुत सुंदर लगती है। कभी दिखाऊंगी, जब भी मैं घर जाऊंगी ना तो मैं उसकी वीडियो लेकर आऊंगी या फोटोज़ वगैरह उसकी लेकर आऊंगी। इसके अलावा एक जैकेट ये है, फ्रेंड्स ये था मेरी मम्मी के हैंड का नेटवर्क। आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके अलावा मम्मी ने और भी बहुत सारे बनाए हुए हैं, बट जो मेरे पास थे मैंने आपको वो शो किए हैं। इसके अलावा जो मेरी बड़ी दी हैं उनके बेटे हैं दो, तो मम्मी ने उन बच्चों के लिए भी बनाए हुए हैं, लेकिन जो मेरे पास थे मैंने आपको वो दिखाए हैं। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आए होंगे।